स्टूडेंट्स, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर के क्लास 9 में आपका स्वागत है। मैं केसी मिश्रा, आज संस्कृत व्याकरण में कारक उपपद विभक्ति बिंदु पर चर्चा करूंगा। छात्रों, आपके पाठ्यक्रम में कारक उपपद विभक्ति से संबंधित 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 मार्क्स को पूरा प्राप्त करने के लिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी जानकारी रखना है और ये आपका कारक उपपद विभक्ति समझ में आपको आ जाएगा। तो छात्रों, यहाँ देखिए, यहाँ 3 पद हैं, कारक, उपपद और विभक्ति, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कारक को समझते हैं, कारक, ठीक है। तो कारक के संबंध में कहा गया है क्रियान्वयी कारकम। यह संस्कृत का एक सूत्र है, क्रियान्वयी कारकम, यानी कि कारक में क्रिया से लेना देना है। इसे लेना देना है क्रिया से, और यह इसका मूल जो शब्द है वह है क्रियान्वयन। क्रियान्वयन को समझिए, क्रियान्वयन क्या है। तो कोई भी काम को करना, किसी भी काम को जब हम मूर्त रूप देते हैं, उसको करते हैं, तो उसे हम क्रियान्वयन, किसी कार्य का क्रियान्वयन करना कहा जाता है, ठीक है। तो कोई भी काम हम करेंगे, कोई भी क्रियाएं संपादित होगी, तो उन क्रियाओं के संपादन में जो जो सीधे रूप से जुड़े रहेंगे, यानी कहा जाए कि डायरेक्टली जिनका जो है कि रिलेशन होगा वर्ब से, क्रिया से, तो उसको हम कारक कहेंगे। जैसे आप यहां देखिए, एक एग्जांपल देते हैं कि सः खादति, और यहां लिखा है सः फलम खादति और सः हस्तेन लिखति। ये जो 3 एग्जाम्पल है यहाँ, छात्र इसको ध्यान से देखिए, ये खादति, खादति और लिखति एक क्रियापद है, और जब कोई कर्ता नहीं रहेगा तो खाने का काम पूरा नहीं हो सकता है, और जब कोई कर्ता खाने का काम कर रहा है तो कोई भी ऐसी वस्तु है जिस पर उसका फल पड़ेगा, खाने का प्रभाव पड़ेगा, या कोई वस्तु अगर रहेगा ही नहीं तो उसको क्या खाएगा, इसलिए ये फल का भी। और यहाँ लिखना जो क्रिया है, लिखती, जब वह लिख रहा है तो यहाँ हाथ क्या है, साधन है, साधन के बिना, साधन के कोई काम नहीं हो सकता है। तो ये हस्ते न, ये कर्ता का भी इससे संबंध इसमें है, और ये फलम का भी इसमें संबंध है, और ये साधन का भी इससे संबंध है, और इसका भी इससे संबंध है, और इस कर्ता का भी इससे संबंध है। तो डायरेक्टली वर्ब से इन सभी का संबंध है। तो जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से क्रिया के साथ होता है उसे हम कारक कहते हैं। ये कारक की परिभाषा है, क्रियान्वयी कारकम। कारक की परिभाषा क्या है, इसको आप हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं कि क्रिया के साथ जिसका जिसका प्रत्यक्ष संबंध होगा, जो जो डायरेक्ट रूप से जुड़े रहेंगे, वे कारक कहलाएंगे। और कारक के कितने भेद हैं, इसकी चर्चा हमने पिछली कक्षाओं में की है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए कि संस्कृत में कारक की संख्या 6 है, और जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो इसकी संख्या 8 है, लेकिन अनुवाद जब बनाते हैं तो 8 कारक को हम पढ़ते हैं। डायरेक्ट रिलेशन नहीं होने के कारण संबंध और संबोधन कारक को संस्कृत व्याकरण में कारक के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो संस्कृत व्याकरण में कारक की संख्या 6 है, जिसमें संबंध और संबोधन को हटा देते हैं तो बाकी 6 बचते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये 6 जो है संस्कृत में कारक के भेद माने गए हैं। तो आप कारक को जो है समझ गए होंगे।
अब आते हैं हम उपपद। उपपद क्या है? तो छात्र यहां देखिए, उपपद, उप और पद, उप मतलब पास, पद के पास रहने वाला, वैसे शब्द जो किसी पद के पास रहता है, किसी पद के पास रहता है और उसमें कुछ विशेष प्रकार के नियम लग जाते हैं तो उसको हम उपपद कहते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए कोई भी सुपंक्त पद कृत प्रत्यय से युक्त धातु से अगर जुड़ा हुआ हो तो उसको हम उपपद कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं कि कुंभकार, कुंभकार, ठीक है, या लिखते हैं शिवाय नमः। ये जो वाक्य शब्द जो यहां मैंने लिखा, ठीक है, तो यहां जो है कार शब्द और नमः शब्द क्या है? यहां जो कार शब्द है और जो नमः शब्द है ये क्या है? धातु है। कार क्री धातु से बना कार और नम धातु से बना नमः। तो अब देखिए यह क्या है, इसमें जो कुंभ हो गया कुंभ, और इसमें जो शिवाय हो गया, ये दो क्या हो गया? उपपद हो गया, उपपद। ठीक है, क्यों हो गया? अब इसका है कि इसका अगर अर्थ हम लिखते हैं कुंभकार, मतलब कि कुंभ मतलब घड़ा, घड़ा को बनाने वाला, ठीक है, और यहां लिखते हैं शिवाय नम, मतलब शिव को नमस्कार है, प्रणाम है। तो यहां शिव को ये नमः हो जो शब्द है सूत्र के अनुसार, ये नमः के अनुसार इसमें यह निर्देश है कि जहां नमः रहेगा, नमः स्वस्ति स्वधा योगे, नमः रहेगा, स्वस्ति रहेगा, स्वधा रहेगा, अलम वसट, ये सब जो शब्द रहेगा तो उसमें हम यहां चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, यानी विशेष रूल के अनुसार लगना चाहिए। जनरली अगर लेंगे तो वो है इसमें शिवम विभक्ति लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ चतुर्थी विभक्ति आ रही है, यानी स्पेशल नियम, स्पेशल रूल इसके लिए है, तो इसलिए इसको हम उपपद कहेंगे। ठीक है, अब मान लिया जाए कि एक वाक्य हम यहां लिखते हैं कि मोहना गृहम गच्छति, और यहां लिखे रामेण सह मोहनः गृहम गच्छति। अब यहां देखिए मोहन घर जाता है, ठीक है, और यहां लिखा है राम के साथ मोहन घर जाता है, राम के साथ, यहां लिखा है रामेण सह माने राम के साथ। अब राम के साथ लिखते हैं तो के जो कारक है वह संबंध कारक का चिन्ह है, के जो चिन्ह है वह संबंध कारक का चिन्ह है। तो संबंध कारक में हम जानते हैं कि संबंध है षष्ठी, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगती है, लेकिन यह षष्ठी विभक्ति नहीं लगी, यहां जो है तृतीय विभक्ति लग गई। तो तृतीया विभक्ति लग गई तो सूत्र होता है सहार्थे तृतीया, सह साकम समम सार्धम, ये सभी शब्द का मतलब होता है साथ, और ये शब्द जहां रहेंगे तहां जो है जैसे कि हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे। तो यहां रामेण में षष्ठी विभक्ति के जगह पर क्या लग गया, यह सूत्र के अनुसार क्योंकि सह से जुड़ा हुआ है तो रामेण, रामेण जो हो गया क्या हो गया, उपपद हो गया, रामेण क्या हो गया, उपपद हो गया। तो एक और एक कारक के अनुसार यहाँ गृहम में द्वितीय विभक्ति लग गया और मोहना में प्रथमा विभक्ति लग गया, ये कारक के अनुसार और ये उपपद के अनुसार, एक विशेष सूत्र के अनुसार। तो छात्र हम ये भी कह सकते हैं कि विभक्ति को अगर हम दो भाग में बांट देते हैं तो एक आ जाता है, पहला कौन हो जाता है, कारक विभक्ति, क्या आ जाता है, कारक विभक्ति, और दूसरा हो जाता है उपपद विभक्ति।
और ये कारक विभक्ति और रूपक विभक्ति ये दोनों का यहाँ एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ कर्तरी प्रथमा कर्मणी द्वितीय, लेकिन यहाँ सह के कारण विशेष रूल के कारण ये नाम में षष्ठी विभक्ति की जगह पर तृतीय विभक्ति लग गई, इसलिए ये उपपद, एक उपपद विभक्ति का उदाहरण और एक कारक विभक्ति का उदाहरण। ठीक है, तो ये है, आप उपपद समझ गए। उसके बाद है विभक्ति। तो विभक्ति क्या है? जो धातुओं में या प्रतिपादकों में जो तीन या सुख विभक्तियां लगती है वो विभक्ति है। हम प्रतिपादिक का संस्कृत में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे राम हम नहीं लिख सकते हैं, इसको हम राम लिखेंगे, राम ही जब मूल रूप में रहेगा तो इसको छात्र हम प्रतिपादिक कहते हैं, और जैसे ही इसमें विभक्ति लग गई तो ये जो राम शब्द में संज्ञा सर्वनाम में जो विभक्तियां लगती है वो सुख विभक्तियां होती है। तो राम में जैसे ही ये सुख विभक्ति लगी तो यह इसी का हम प्रयोग करेंगे संस्कृत में, केवल राम नहीं लिख सकते हैं। और धातु में जो लगती है तो उसको तीग कहते हैं, तीग तस जी, और इसमें है सु और जस अम और सस, इस तरह के सुख विभक्तियां हैं जो सभी पदों को। तो ये जो है आपका कारक था, उपपद था और विभक्ति था। ठीक है, अब आपको छात्र इसमें पढ़ना क्या क्या है, आपके सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है, वो सभी का हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो यहां देखिए छात्र जो है, अब द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ लगेगी, कौन कौन सा उपपद में द्वितीय विभक्ति लगेगी, इसको हम एक एक करके देखेंगे। तो छात्र यहां देखिए, परिसह समया निक्षा प्रति और बिना, इन शब्दों का जहां प्रयोग होगा उसका जो उपपद होगा उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे देखिए, और इसका मैं आपको समझने के लिए इसका अर्थ भी मैं लिख दिया हूं। अब ये परिता है, समया है, निक्षा है, प्रति है और बिना है, और इन शब्दों का अव्यय ये उपपद हुआ, विद्यालय ग्रामम मंदिरम एक ग्रामम और ये मोहनम, देख रहे हैं ना, ये इनका उपपद हो गया, क्योंकि कहता है सूत्र कि ये शब्द जहां रहेंगे तो उसके उपपद में द्वितीय विभक्ति लगेगी। तो मोहन के बिना वह उदास है, खिन्न है, अब मोहन के बिना, तो यहाँ का के की संबंध कारक का चिन्ह प्रकट हो रहा है, लेकिन ये बिना रहेगा, बिना जो शब्द रहेगा उसका जो उपपद होगा उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, रूल है, इसलिए हमने यहाँ मोहनम लिख दिया। मोहनक से न लेकर के क्या लिख दिया, मोहनम ग्राम मंदिर विद्यालय। ठीक है, विद्यालय परितः वृक्षा संधि, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, ग्राम समया राजमार्ग अस्ति, गांव के नजदीक राजमार्ग है यानी सड़क है, मंदिरम निक्षा तड़ाक अस्ति, मंदिर के नजदीक तालाब है, ग्रामम प्रति गच्छ गांव की ओर जाओ, और मोहनम बिना सब खिन्न अस्ति, मोहन के बिना वह उदास है। तो आप ये देखें कि इन शब्दों के कारण ये क्या हो गया, उपपद हो गया और इसमें द्वितीय विभक्ति लगी। अब तृतीय विभक्ति कहाँ लगेगी इसकी हम चर्चा करेंगे, कि तृतीय विभक्ति कहाँ लगेगी इसको हम लिख रहे हैं। अब देखिए तो छात्र, तृतीय उपपद विभक्ति कहाँ लगेगी, तो इन शब्दों के अर्थ में सह साकम समम सार्धम, ये सभी शब्दों का अर्थ होता है साथ, साथ होना, सह साकम समम सार्धम, ये सभी का अर्थ क्या होता है साथ, उसके बाद बिना अलम सदृश और हीन, ये सब का अर्थ यहाँ मैंने लिख दिया है। बिना का मतलब बिना, अलम मतलब रोक, वार वार जब इसको रोका जाए किसी कार्य को करने से या बात को कहने से, जहां वारणार्थक शब्द आए, रोकने वाला शब्द आए तो उसको हम अलम से समझते हैं लिख करके, और सदृश मतलब समान, हीन मतलब उनार्थक, उनार्थक मतलब जब हीनता दिखाया जाए, छोटापन दिखाया जाए। तो इन शब्दों का जहां जहां प्रयोग होगा तो उसका जो उपपद विभक्ति होगा उसमें हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे। जैसे यहां देखिए, इसमें स है, इसमें स है, यहाँ समम है,
और शाकम यहां लिख सकते हैं, शाकम, और यहां समम है, यहां सार्धम है, बीना है, अलम है, सदृश है और हीन है, ठीक है। और इन सभी जो है पदों का उपपद विभक्ति कौन हो गया, ये हो गया, इसलिए तृतीय विभक्ति लग गया। पुत्रे न तृतीय विभक्ति, रामे न तृतीय विभक्ति, श्यामे न तृतीय विभक्ति, बीना में भी तृतीय विभक्ति भी लगाएंगे और द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, तो इसका हम पित्रा भी लिख सकते हैं, पित्रा, ठीक है। पिता के बिना मेरा घर शून्य है, सुना है। यहाँ अलम है, यहाँ देखिए इसका उपपद विभक्ति विवाद हो गया, तो विवाद में तृतीय विभक्ति लग गई। और यहाँ देखिए सदृश है, इसका उपपद पिता हो गया, तो तृतीय विभक्ति लग गई। और यहाँ हीन है, इसका उपपद विभक्ति ज्ञान हो गया, तो ज्ञान में भी तृतीय विभक्ति लग गई। और इसका अर्थ आप समझ लें, तुम मेरे साथ चलो, पिता पुत्र के साथ जाता है, राम के साथ सीता जाती है, श्याम के साथ राम पढ़ता है, पिता के बिना मेरा घर सुना है, और विवाद से क्या फायदा, वह पिता के समान है, ज्ञान से हीन मानव पशु ही है। तो इस प्रकार इन वाक्यों का अर्थ हो गया। और कहां कहां हम देखे कि किस शब्द के कारण कौन सा उपपद हुआ और उसमें कौन सी विभक्ति लगी, ये तृतीय विभक्ति। अगला हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति। हाँ, तो छात्र जो है ये देखिए चतुर्थी विभक्ति कहाँ कहाँ लगेगा, तो इन धातुओं को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। रुच धातु, दा, नम और कु, रुच शब्द का मैं अर्थ लिख दिया हूं, ये धातु जहां जहां रहेंगे वहां हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। जैसे यहां देखिए रोचते है, है ना, तो यह रुच धातु का उपपद विभक्ति हो गया ब्राह्मण, यानी किसको अच्छा लगता है लड्डू, किसको अच्छा लगता है ब्राह्मण को, ठीक है ना, तो यहाँ हम चतुर्थी विभक्ति लगा दिए। धन दात ये थी है, देखिए यहाँ दा धातु से बना ददाती शब्द है, यह किसके लिए है, भिक्षुक के लिए, इसका उपपद विभक्ति क्या हो गया भिक्षुक। और यह नामा, इसका उपपद विभक्ति क्या हो गया गणेश, इसलिए इसका चतुर्थी विभक्ति गणेशाय। और ये क्रुद्ध या कुप दोनों एक ही है धातु, और इसका जो है जैसे कि उपपद क्या हो गया शिष्य, तो इसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगा दी, यानी ब्राह्मण को लड्डू अच्छा लगता है या रुचता है, भिखारी को धन देता है, गणेश को नमस्कार है, और गुरु शिष्य पर क्रोध करते हैं। यहाँ जो है यहाँ है कि गुरु शिष्य पर क्रोध करते हैं, पर है, लेकिन यहाँ जैसे कि यहाँ भाव क्या होगा क्रुद्ध या कुप धातु के नियम के अनुसार यहाँ चतुर्थी विभक्ति होगा, और यहाँ लिखेंगे कि गुरु शिष्य के लिए क्रोध करते हैं, अर्थ यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट है पंचमी विभक्ति, उसको भी हम देख लेंगे। ये है छात्र आपका पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति कहाँ लगेगी, तो बिना, वही, भी धातु और रक्ष धातु के योग में पंचमी विभक्ति लगेगी। अब यहाँ देखिए बिना है, यहाँ वही है, और यहाँ विभेति, और यहाँ रक्षति, यहाँ भी धातु और यहाँ रक्ष धातु, तो इसका उपपद विभक्ति ये हो गया, इसका विभक्ति ये हो गया, और इसका उपपद विभक्ति ये हो गया, और बिना का उपपद विभक्ति क्या हो गया जल हो गया, तो जल में पंचमी विभक्ति जला, ग्राम में पंचमी विभक्ति ग्रामार, ठीक है। और भी धातु के कारण व्याघ्र में पंचमी विभक्ति व्याघ्रात उपपद हो गया, और यहाँ रक्ष से बन गया ही रोगात, रोग में पंचमी विभक्ति लग गया। अब यहाँ देखिए जल के बिना मत्स्या न जीवती, जल के बिना मछली नहीं जीती है, ग्रामात वही एक सरोवर अस्ति, गांव के बाहर एक तालाब है या सरोवर है, सह व्याघ्रात विभेति, वह बाघ से डरता है, चिकित्सक रोगात रक्षति, और डॉक्टर रोग से रक्षा करता है, तो इसका ये उपपद पंचमी उपपद विभक्ति है, इसको हमने समझ लिया। इसके बाद है
षष्ठी विभक्ति। अब षष्ठी विभक्ति को देखेंगे, अब यहां देखिए छात्र आपका बच गया षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति कहां लगाएंगे और सप्तमी विभक्ति कहां लगाएंगे इसको भी हम यहां देख लेंगे। तो ऊपरी अधा पुरता और पृष्ठ इन शब्दों का योग जहां रहे, शब्द जहां रहे तो उनके जो उपद होंगे उसमें हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, और स्नेह निपुण और विश्वस्त इन शब्दों के योग में हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। तो अब यहाँ देखिए इस वाक्य में ऊपरी अधा पूर्ता और पृष्ठता ये पद हैं और इसका उपपद हो गया वृक्ष विद्यालय और मम। तो इसमें जो है देखिए षष्ठी विभक्ति, इसमें भी षष्ठी विभक्ति, इसमें भी षष्ठी विभक्ति और इसमें भी षष्ठी विभक्ति लग गया। वृक्ष से ऊपरी आरोहती पेड़ के ऊपर चढ़ता है, वृक्ष से अधा एक सर्प आसीत पेड़ के नीचे एक सांप था, विद्यालय से पूर्वतः एकम मंदिरम अस्ति विद्यालय के आगे एक मंदिर है, और मम पृष्ठ स चलती मेरे पीछे वह चलता है। तो ये षष्ठी विभक्ति का एग्जाम्पल था। अब आप यहाँ देखिए सप्तमी विभक्ति मोहन कोई स्नेहति, मोहन तुमसे प्रेम करता है या स्नेह करता है। तो भाव छात्र यहाँ यह है कि मोहन तुमसे प्रेम करता नहीं है, मोहन तुम पर प्रेम रखता है, स्नेह रखता है, इसलिए यहाँ इसमें हम सप्तमी विभक्ति लगा दिए। आप यहाँ देखिए स्नेह के कारण इसमें सप्तमी विभक्ति लग गया, और निपुण के कारण यहाँ व्याकरण में सप्तमी विभक्ति लग गया, और विश्वास के कारण यहाँ इसमें सप्तमी विभक्ति लग गया। सब व्याकरण निपुण अस्ति यानी वह व्याकरण में निपुण है, दक्ष है, और रमेशम मई न विश्वसिद्धि यानी रमेश मुझ पर विश्वास नहीं करता है। तो इस तरह से आपका कारक उपपद विभक्ति जो प्रकरण था, जो बिंदु था जिस पर आप हमने चर्चा किया, ये समाप्त हुआ। धन्यवाद।